अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेहूं के आटे से पास्ता बनाएंगे। तो जो पास्ता बनाएंगे सारा सामान घर में मिल जाएगा, और ये गेहूं के आटे से पास्ता ऐसा बनेगा तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि हाँ ये घर का बना हुआ नाश्ता है। तो देखिए, हमने 2 कप आटा ले लिया है गेहूं का। ये देखिए, और इसमें हम ये थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, हथेली से रगड़ के डाल देंगे। इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें आटे में। और ये देखिए, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए, हमने नमक आधा चम्मच डाल दिया। अब इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसको हम आटे की तरह, जिस तरीके से रोटी बनती है आटे की, उस तरीके से हम आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा मुलायम भी नहीं गूंदना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है, बस मीडियम आटा हमें गूंद लेना है। तो देखिए, फिर आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है। ये देखिए, तो इसकी लोइयां हम बना लेंगे। ये देखिए, चार लोइयां हम बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए, हमने चार लोई बना लिया है। इस पे रख के इस तरीके से बेल लेंगे। इसकी रोटी तरीके से लोई हम बेलेंगे, इसे रोटी बेली जाती है, बस उसी तरीके से हमें बेल लेना है इसको। ये देखिए, ज़्यादा मोटी नहीं बेलना है हमें, और ना ज़्यादा बिल्कुल पतली बेलना है। ज़्यादा मोटी बेल देंगे ना तो फिर पास्ता जो है हमारा मोटा हो जाएगा, तो अंदर से फिर पकने में कच्चा रह जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। बस अब हम नहीं बेलेंगे इसको। ये देखिए, इस तरीके से है, हमने बेल लिया है। ये ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है रोटी हमारी। तो अब हम इसको काट लेंगे छुरी से। देखिए, हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है नाश्ता उबालने के लिए। थोड़ा सा 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। ये देखिए, तो ये नाश्ता जब हम उबालेंगे तो इसमें चिपके ना। तो ये देखिए, फिर हमने रोटी बेल लिया है, अब इसको हम काट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम काटेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने काट लिया है, और काट करके फिर से देखिए, बीच से हम ये छोटे कर देंगे। इस तरीके से छोटे पीस बनाएंगे ना तो उबालने में हमको आसानी रहेगी। नहीं, बड़े बड़े पीस हम इस तरीके से बना रहे थे ना, इससे हम डबल कर दिए, इसका 2 पीस छोटे में कर दिए। उबालने में ये बहुत आसानी रहेगी। ये देखिए, छोटे छोटे हैं, उबल जाएंगे अच्छे से। ये देखिए, बस इसी तरीके से हम सब बना लेंगे। ये देखिए, खोल गया है। इसमें हम डालने जा रहे हैं ये पास्ता डालेंगे। ये देखिए, ये सब बन गया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें इनको इस तरीके से हम सब डालेंगे। ये देखिए, अब ये आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हमने तेल डाल दिया ना इसके लिए। सब एक साथ ही हम उबाल लेंगे। ये देखिए,
तो ये हम सब पास्ता इसमें डाल दिया हमने, अब इसको हम चलाएंगे नहीं, अभी इसको हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे, बस इस तरीके से हिला देंगे तो ये जब उबल जाएंगे ना तो ये सारे ऊपर पीस आ जाएंगे उबल के, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये अच्छे से उबल गए हैं। तो बस इस तरीके से हम हिलाएंगे भी चलाएंगे नहीं, नई पीसेस जो हैं ये टूट जाएंगे। 5 से 6 मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है। तो देखिए फिर ये 3 मिनट हो चुके हैं इनको चढ़ाए हुए, बस 3 मिनट और हम इनको पकाएंगे, बस इनको हम छान लेंगे एक बर्तन में। देखिए ये सारे पीस जो हैं ये सब ऊपर आ गए हैं, ये देखिए अब नीचे नहीं है बिल्कुल, नीचे थे ना जब डाले थे पानी में बैठे थे नीचे, अब ये सब ऊपर उठ के आ गए हैं, पक गए हैं। बस 3 मिनट के बाद इनको हम निकाल लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हम गैस को बंद कर देंगे और इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो हम पहले इसको छान लेंगे छन्ने में, इनको हम ठंडे पानी में गर्म पानी से छान करके ठंडे पानी में डाल दिए ताकि आपस में चिपके ना और पकना बंद हो जाए। अब इनको हम छन्ने से छान लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम इनके पीसेस छोटे छोटे कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे पास्ते की तरह छोटे छोटे पीस हम कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए बिल्कुल पास्ते की तरह लगने लगा है ना, बिल्कुल पास्ता लग रहा है। ये देखिए इसी तरीके से आप लोग घर पे बच्चे लोग को बना दिया करिए, टिफिन में बच्चे को दे दिया करिए, इसलिए कि बाहर का जब पास्ता मैक्रोनी सब उसमें जब आप घर पे लाके बनाते हैं ना कितनी उसमें खसखसापन रहता है। और ये घर पे जब बनाएंगे गेहूं के आटे से एक तो बनाएंगे वो फ़ायदा करेगा, और ये बाहर के जो पास्ते मैक्रोनी है ये मैदे से बनते हैं, मैदा कितना नुकसान करता है। तो देखिए फिर पास्ते को हमने काट लिया ये देखिए टुकड़ों में, अब इधर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे, गैस जला देंगे। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब पास्ते को हम बनाएंगे। तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है 1 चम्मच, बड़ा 1 चम्मच तेल हमने डाला है, रिफाइंड तेल डाला है। आप चाहे सरसों के तेल में बनाए चाहे रिफाइंड में बनाइए। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन, ये देखिए 6-7 कलियां हमने बारीक टुकड़ों में काट के रखा है, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। साथ में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, ये देखिए काट के हमने रखा 4 से 5 हरी मिर्च है, इसको भी डाल देंगे इसी में। आप चाहें तो अदरक अगर डालना है तो इसी टाइम अदरक भी डाल दीजिए, हम अदरक नहीं डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे ये कटा हुआ टमाटर है, मीडियम साइज का एक हमने टमाटर ले लिया था, इसको भी इसी में हम डाल देंगे। खूब चटपटा तीखा बनाएंगे, खूब मसालेदार बहुत टेस्टी बनेगा ये पास्ता, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बनाकर कमेंट में हमको बताइएगा जरूर। ये देखिए ये बीन्स कटिंग हुई रखी थी टुकड़ों में हमने कर लिया है बारीक, इसको भी डाल देंगे इसी में। आप अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल सकते हैं इसमें, जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो डाल दें, हमारे पास ये सब्ज़ियाँ पड़ी थी तो हम सारी सब्ज़ी इसमें डाल देंगे। तो देखिए प्याज हम डालना भूल गए थे, प्याज हम अभी इसी टाइम डाल देंगे, ये भी इसी में पक जाएगा, अभी देर नहीं हुई है लेकिन याद आ गया हमको, साथ ही में हमने प्याज भी डाल दिया। प्याज जो है लहसुन के बाद डालना है, हम पहले नहीं डाल पाए भूल गए थे, अब डाल दिया हमने। तो ये देखिए पत्ता गोभी है, इसको भी हम डाल देंगे, छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया था। सारी सब्जियां डाल के बनाएंगे पास्ता, बहुत टेस्टी बनेगा। और ये थोड़ा सा गाजर है, ये देखिए इसको हमने कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया है। हम पहले 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। नमक हमें हिसाब से डालना है क्योंकि
पास्ते में भी हमने आटा गूंदा था, उसमें डाल दिया था नमक, तो इसमें भी डाल देंगे सब्जियों में हल्का नमक, ये नमक ज़्यादा हो जाएगा फिर चाप डालिएगा। तो देखिए फिर हमने 2-3 मिनट ढक्कन ढक के इसको सब्जी को पका लिया है। अब सब्जी को ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे, क्रंची अच्छी लगती है सब्जी उसमें पास्ते में। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा भुना जीरा डाल देंगे चौथाई चम्मच, और थोड़ी सी ये चौथाई चम्मच कुटी काली मिर्च है इसको भी डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे गले ना अच्छे से भून जाए। बस ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे बस, ताकि मसाले हमारे अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएं, पक जाएं अच्छे से। इस तरीके से पास्ता आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है पास्ता। अब इसमें हम थोड़ी सी चिल्ली सॉस डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच बस। ये देखिए चिल्ली सॉस हमने डाला है, अब ये रेड चिल्ली सॉस हम डाल देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे, मसाले हमारे भुन चुके हैं, ये पास्ता डाल देंगे। आप चाहें तो सोया सॉस भी डाल दें, लेकिन सोया सॉस हम नहीं डालेंगे। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तो देखिए ये हम मैगी मसाला 1 पाउच डाल देंगे, इससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। ये देखिए आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल दें, चाट मसाले से और खट्टापन आ जाएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन हमने चाट मसाला भी नहीं डाला है क्योंकि हमने टमाटर डाल दिया है। देखिए फिर अब इस पर हम ये हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से हम। ये देखिए, तो देखो पास्ता मेरा कितना अच्छा बन के तैयार है। ये देखिए, तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे, तैयार है पास्ता हमारा बन के। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह। तो देखिए फिर हमने बर्तन में इसमें निकाल लिया, ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे और ऊपर से थोड़ी सी। तो फिर देखिए पास्ता मेरा बनके तैयार है। ये देखिए गेहूं के आटे का पास्ता कितना बेहतरीन बनके तैयार है, कितना टेस्टी बना है। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।